हेलो दोस्तों, सीजन टू की कामयाबी बाद सीजन थ्री हाजिर है। उसका रिव्यू और बहुत सारे सीजन है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी इस सीजन को कवर करना है। तो सीजन थ्री शुरू होता है, बैरी की माँ को वो बचा लेता है रिवर्स फ्लैश से। मैंने आपको बताया था सेकंड सीजन पे, अगर वो आपने सेकंड सीजन नहीं देखा तो जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। तो फिर उसके बाद जब ये कैफे में होता है जहाँ पे आयरस आती है, जो जो की बेटी होती है, और वो उसको बोलती है कि मुझे आपका चेहरा देखा हुआ लग रहा है। तो बैरी जो होता है वो बोलता है कि मैं आपकी क्लास में पढ़ता था। तो कहती है अच्छा, बैरी ऐसे करके पूछती है उससे, तो वो कहता है हाँ। अब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, आगे जा रहे होते। तो ये खबर आती है न्यूज़ पे कि विलन एक आया है शहर में जिसकी स्पीड है, उसका नाम होता है राइवल। तो राइवल आया है और ना उसको फ्लैश ही रोक सकता है। अब फ्लैश जब जा रहा होता है उधर बचाने लोगों को, देखते हैं एक और बंदा आता है जिसका येलो सूट होता है और उसका नाम होता है फ्लैश। वो देखते अरे ये आ गया, चलो। तो राइवल जो है उससे लड़ता है फ्लैश से, जो नया वाला फ्लैश होता है। तो नया वाला फ्लैश हरा के फ्लैश के पास आके बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो वहाँ पे वो बैरी बोलता है नहीं, मैं सही हूँ। वो जो नया फ्लैश होता है चले आता है और बैरी कहता है चलो यार, एक नया हीरो आ गया, मुझे ज़रूरत ही नहीं फ्लैश बनने की। अब वो ऐसे ऐसे जाता है, घर पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है उसके अम्मी अब्बू आ रहे होते हैं, दोनों जिंदा होते हैं। और उसको बोलते हैं भाई क्या हाल है, तुम कहाँ थे? तो कहता है बस अम्मी अब्बू मज़े में था। अब वो अपने अम्मी अब्बू से हर चीज़ डिस्कस कर रहा था, जैसे कि एक बेटा अपने माँ बाप से करता है। वो बताता है आयरस से उसने बात की थी, पर आयरस ने उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ऐसे ऐसे करके बताता है। तो वो लोग माँ बाप बड़े खुश हो रहे होते हैं। तो वो बाहर निकलता है, फिर आयरस से उसकी मुलाकात होती है। आयरस से बातें करते करते ना एकदम से उसको ना कुछ अजीब सी चक्कर आते हैं। तो आयरस पूछती है क्या हुआ तुम्हें? तो कहता है कुछ नहीं सही हूँ, सेट हूँ। कहते हैं कि वो एक जगह पे पहुंचा है बैरी और देखता है इर्द गिर्द कोई देख तो नहीं रहा। अंदर आता है तो वहाँ पे एक जेल होती है। जेल के अंदर वो पता नहीं उसने क्या मैग्नेट वगैरह लगाए होते हैं, उसके अंदर रिवर्स फ्लैश खड़ा हुआ होता है। वो रिवर्स फ्लैश को बोलता है बेटा देखा, मैंने अपनी माँ को बचा लिया और तुझसे, और अब मैं तुझे हमेशा के लिए कैद कर दिया। अगर रिवर्स फ्लैश को बोलता है कि अब तू किसी को नहीं मारेगा। तो रिवर्स फ्लैश बोलता है बेटा एक वक्त आएगा कि तू खुद बोलेगा कि जाके माँ को मार, क्योंकि बस उसको पता होता है रिवर्स फ्लैश को। पर फ्लैश जो है ना सुनता नहीं है, फ्लैश चले जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते ना उसकी मेमोरी का मसला शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके जितने भी दोस्त हैं सिस्को वगैरह, वो अमीर आदमी बन जाता है, उसकी स्टार लैब होती है, सारे मजे वो कर रहा होता है, और वो मुंह भी नहीं लगाता बैरी को। बैरी बोलता है हम दोस्त हैं तो मानता भी नहीं। फिर वो उनको समझाता है वो अपनी पावर्स इस फ्लैश की लाके कि भाई मैं भी फ्लैश हूँ, और ये जो टाइम लाइन है इसमें ये जो दूसरा नया फ्लैश है ये किट फ्लैश होता है जो आयरस का भाई होता है। तो वो कहता है ये जो भाई है भाई, ये तो अभी बना है फ्लैश, मैं तो शुरू से हूँ, मैंने तो चेंज किया सब। तो वो सबको समझा देते हैं, अब सब बोलते हैं चलो सही है। तो राइवल से वो लड़ रहे होते, एकदम से वॉली को ना कुछ लग जाता है राइवल से, और वॉली ना मरने की हालत में आ जाता है। तो बैरी बोलता है अब क्या किया जाए? तो उसको आयरस बोलती है अब तुम्हें ना एक ही काम करना पड़ेगा, तुम्हें पास्ट में जाके ना वो ही सब कर दो, अपनी माँ को ना रिवर्स फ्लैश के हत्थे चढ़ा दो, मतलब रिवर्स फ्लैश को ही बोल दो कि वो तुम्हारी माँ को मार दे, क्योंकि अगर वो नहीं मारेगा फ्यूचर में फिर ऐसे ही मसले मसाइल होंगे। बैरी की आदत जाना शुरू हो जाती है, उसको कुछ याद ही नहीं रहना शुरू हुआ था, बहुत बुरी हालत हो जाती बैरी की। बैरी रिवर्स फ्लैश के बाद जाके बताता है कि भाई ये क्या हो रहा है उसको, बैरी को। तो वो बैरी को बताता है बेटा ये तुम्हारी नई टाइमलाइन है, इसकी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हें याद आना शुरू होगी, तुम फ्लैश भी हो ये सब भूल जाओगे, और तुम्हारी ये ज़िंदगी अब से होगी। वो कहता है इसका क्या हल है? वो कहता है इसका वही हल है कि मुझे पास्ट में ले जाने दो, मैं तुम्हारी माँ को बाहर, वो वापस सब कुछ सही हो जाए जैसे था। तो बैरी बोलता है मैं तो ये नहीं मानूंगा। तो वो कहता है फिर ठीक है, याददाश्त तुम्हारी जा रही है, जाने दो। फिर बैरी को सोच में आता है, बैरी बोलता है यार अब तो कोई हल नहीं है। तो बैरी उसका दरवाज़ा खोलता है, उसको बोलता है बेटा जा भाई जो करना है कर, और मुझे वापस वही टाइमलाइन दे दे जो मेरी टाइमलाइन थी। एक ही एपिसोड में सब हो रहा होता है। तो वो रिवर्स फ्लैश जाता है पास्ट में, उसकी माँ को बैरी जब बचाता है तो माँ उसकी रिलैक्स हो जाती है कि चलो बैरी ने बचाया। तो एकदम से पीछे से रिवर्स फ्लैश आके बोलता है ये नहीं बचेगी। फिर रिवर्स फ्लैश चाकू निकालता है और उसकी माँ को फिर देता है, और वो फिर ना दिखाते हैं सब कुछ रीसेट हो जाता है, वो जो टाइमलाइन पुरानी थी वो वापस आ जाती है। अब बैरी जब वापस आता है देखता है रिवर्स फ्लैश उसको वहाँ पे छोड़ता है बैरी को, और जा रहा होता है वापस, उसको कोई और ड्रामे में जाना होता है। तो वो कहता है कि वो बोलता है कि बेटा तुम्हारे लिए तो कुछ सही नहीं है, मेरे लिए सही है। तो बैरी बोलता है मेरे लिए क्या सही नहीं है? वो चले जाता है बोल के। वो कहता है फिर मिलेंगे करके रिवर्स फ्लैश भाग जाता है। अब बैरी जो है जब घर के अंदर आता है, जो बैठा होता है तो जो से बोलता है क्या हाल है? जो बोलता है सब एवन मज़े हैं। तो कहता है आयरस कहाँ है? आयरस नज़र नहीं आ रही। तो कहता है मजाक कर रहे हो या क्या, हकीकत है, दिमाग सही है तुम्हारा? वो कहता है क्या हो गया? तो जो वॉली होता है वो बताता है कि आयरस से तो वो अपने अब्बा से बात ही नहीं करती, काफ़ी टाइम हो गया है। वो कहते ये क्या हो गया, मतलब टाइमलाइन में खुद चेंजेस आई हैं।
अब दिखाते एक जगह पे एक बंदा सो रहा है, तो उसको कोई आवाज आती है, इधर आओ इधर आओ। वो जब बंदा जाता है शीशे के पास, उस पर लिखा हुआ था एल्कमी, कोई उसको बुला रहा है। अब वो क्या है हमें आगे की एपिसोड में पता चलता है। अब इस तरह से बहुत सारे विलन आते हैं बैरी के लिए, और साथ में एक बंदे का नाम होता है एल्कमी जो मास्क पहनता है। तो अब बैरी को ये होता है कि यार ये क्या है, नहीं मुश्किल आ गई। अब वो जो है ना मास्क पहनने वाला बंदा जिसका नाम होता है एल्कमी, वो सबको मेटा ह्यूमंस वगैरह को सबको भेजता है ताकि वो बैरी से लड़े। ये वही मेटा ह्यूमंस होते हैं जो इसके जब इसने टाइम लाइन चेंज कर दी होती है, जो नई टाइम लाइन के विलन होते हैं वो इस टाइम लाइन में वो जिंदा कर देता है, उसको वो लिख कर देता है, पावर दे देता है। एल्कमी जो होता है एल्कमी, तो एल्कमी जब पावर देता है जो जो विलन है, तो बैरी उसको शिकस्त देता रहता है। तो एल्कमी बोलता है भाई ये तो मेरे हत्ते नहीं चढ़ेगा। इतने में बैरी जब अपने ऑफिस जाता है तो वहां पे देखता है एक आदमी होता है जूलियन एल्बर्ट। ये जूलियन एल्बर्ट वही है जो हैरी पॉटर में ड्रैको मैलफॉय थे। तो जूलियन एल्बर्ट नाम का बंदा इसी के साथ काम कर रहा होता, उसको पता ही नहीं होता क्योंकि इसने टाइम लाइन चेंज कर रही होती है। जाहिर सी बात है इसकी वापसी टाइम लाइन में अच्छी हो गई होती है, पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। उसमें से एक चेंज ये भी होता है कि जूलियन आया तो उसका साथ पार्टनर बन जाता है, और वो जूलियन उसको पसंद नहीं करता बैरी को। तो बैरी है वो बड़ा परेशान होता है। फिर बैरी केटलिन के पास जाके बोलता है केटलिन चलो तुम तो नहीं बदली ना, तुम तो सही हो, बाकी सब के अंदर कोई ना कोई मसले हो गए, तुम तो सही हो। बाद में पता चल रहा है केटलिन के पास भी आइस पावर आ गई है, आइस वाली नहीं होती पावर वो। अब बैरी की लाइफ में विलन आते रहते हैं, बैरी उनसे लड़ता रहता है। एल्कमी बोलता है भाई मेरे तो काम का नहीं है, तो एल्कमी को ये लोग पकड़ लेते हैं। वो वाली को जाके चकमा दे रहा था, वाली तुम्हें आओ फिट फ्लैश बनाऊं, वाली उसके चक्कर में चले जाता है। इतने में ये सारी जो है ना उसके पीछे जाते हैं वाली के, बैरी वगैरह सब, और ना गिरफ्तार कर लेते हैं एल्कमी को। जब एल्कमी को गिरफ्तार कर रहे होते हैं तो एकदम से एक लाइट आती है, जूम 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 जूम। तो बैरी बोलता है ये क्या है, तो किसी को नजर नहीं आ रही, वो लाइट सिर्फ बैरी को नजर आ रही होती है स्पीड से ना। तो बैरी बोलता है ये क्या चीज़ है, तो बैरी को ना वो लाइट उठा के ऐसे गर्दन उसकी पकड़ लेती है, और उसका जो मेटल होती है बॉडी बिल्कुल छिपकली मेटल नहीं होती वैसी, और उसका नाम होता है सेवेटार। वो सेवेटार बोलता है तू मेरे काम के बीच में आना है फ्लैश। तो बैरी बोलता है भाई क्या हो गया ये कौन है, तो वो बैरी को बड़ा गंदा कूटता है, जैसे जूम ने सेकंड सीजन में कूटा था ना, थ्री में सेवेटार बहुत गंदा कूटता है। तो उसकी किचम्बड़ बनाता है, कील वील वगैरह सब कुछ बनाता है। इतने में ना उसको मारता मुड़ता रहता है, तो सिस्को बोलते हैं केटलिन से तुम्हारे पास आइस पावर है भाई, जाके इसको बचाओ बैरी को। अब वो कहती है मैं आइस पावर यूज़ करूंगी तो मैं विलन बन जाऊंगी, क्योंकि उसको अर्थ टू की विलन का पता था कि वो भी आइस पावर यूज़ करती थी। अगर आप लोगों को पता नहीं सीजन टू का मैं बता चुका हूँ, तो वो आइस पावर यूज़ करती थी। तो वो कह रही है अगर मैं आइस पावर यूज़ करूँ मैं तो विलन बन जाऊंगी, केटलिन बोलती है। पर वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। खैर वो आइस पावर यूज़ करती है और बैरी को सेवेटार से बचा लेती है, पर उसकी ना वो किलर फ्रॉस्ट वाली जाग जाती पावर, वो गंदी हो जाती है, मतलब दिमागी तौर पे ना विलन बन जाती है। तो विलन बन जाती है तो वो भांडे फोड़ देती है बैरी के बहुत सारे ना, तो जिससे सिस्को भी बैरी से अलग हो जाता है। अब वो क्या है कहानी वो आप लोग को एपिसोड देखने का पता चलेगा। अच्छा बैरी का जो दुश्मन होता है, जो दो उसके साथ पार्टनर होता है जूलियन, जिसका नाम जूलियन होता है, जूलियन जो है ना उसका ये पता चलता है कि वो ही है एल्कमी। तो बैरी उससे पूछता है भाई ये सेवेटार कौन है, तो एल्कमी बोलता है, वो जूलियन बोलता है मुझे नहीं पता, बस मुझे एक पत्थर मिला था, वो पत्थर मैंने खोला था तो ये एल्कमी उसके अंदर आ गया था, तो वो एल्कमी बन गया। उसको कुछ नहीं पता सेवेटार कौन है, बस सेवेटार आता है उसको मशवरे देता है, वो उसकी बात मानता है बस। तो बैरी उसको ना एल्कमी से जूलियन वापस बना देता है, वो वैसा नहीं बनता, वो अच्छा बंदा बन जाता है। और फिर बैरी ना इसके पीछे पड़ जाता है सेवेटार के, सेवेटार है कौन। तो सेवेटार जो है बैरी को बताता है कि भाई वो उसका फ्यूचर का दुश्मन है, और फ्यूचर का ऐसा दुश्मन है कि उसने उसको कैद कर दिया था, तो वो आया पास्ट में उसको मजा चकाने बैरी को। अब बैरी पूछता है भाई तू क्या दुश्मनी है क्या है, तो कहता है मैं तुमसे सब चीज़ें छीनना चाहता हूँ, सेवेटार बोलता है। तो बैरी बोलता है अबे तू कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा करके भगा देता। इतने में दिखाते हैं कि वो कहता है ये जो स्टोन है ना, स्टोन होती है जो एल्कमी के पास होती है, वो कहते हैं वो स्टोन को मैं स्पीड फोर्स में फेंक देता ताकि सेवेटार आ ही ना सके कभी ना। वो स्पीड फोर्स में अभी भी कैद है सेवेटार, उसकी बस बॉडी थोड़ी देर के लिए आती है दुनिया में, वापस वो स्पीड फोर्स में चले जाती है। तो वो अगर पक्का आना चाहता है दुनिया में तो उसको पत्थर की जरूरत है। वो पत्थर जैसे ही वो स्पीड फोर्स में फेंकता है ना, तो एक रोशनी निकलती है और बैरी चले जाता है फ्यूचर में ऑटोमेटिक। अब वो फ्यूचर में जब जाता है तो देखता है कि आयरस और सेवेटार पीछे खड़ा हुआ है, और आयरस को ऐसे पकड़ा हुआ है उसने, और बैरी बोले नहीं छोड़ दो आयरस को, पर वो सेवेटार बोलता है कि अब मैं अकेला हो गया हूँ, और सेवेटार अपने हाथों से इतनी बड़ी सोड निकाल के घुसा देता है आयरस में, और आयरस को मार के भाग जाता है, और बैरी रोना शुरू हो जाता है।
तो बैरी हैरान रहता है भाई फ्यूचर में आ रहा है उसको मार देगा। बैरी वापस पास्ट में आता है अपने घर पे और फिर वो सबको ये बताता है ये भाई आयरस के साथ क्या होने वाला है, आयरस की फड़िया की है। मतलब आयरस का असर हो जाता है भाई, ये तो फ्यूचर में उसकी मतलब मार देगा सेवेटार, ऐसा खतरनाक होता सेवेटार। तो वो जो है ना उसको कहती है कि अब क्या करें, तो कहते हैं इसका भी हल निकालेंगे। खैर वो बहुत सारे बहाने वगैरह करता, पहले तो वो कहता है ये सेवेटार क्यों पीछे पड़ा हुआ है, क्यों आयरस को मारना चाहता है ये पता करूं। तो वो उसके चक्कर में बैरी जब फ्यूचर में जाता है वहां पे अपने आप से मिलता है, उस जमाने में जाता है जब आयरस मर चुकी है, और वो अपने आप को देखने जाता है कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। वो बड़ी कुत्ते वाली जिंदगी होती है बैरी की। वो जब फ्यूचर में जाता है वहां पे बैरी के इतने लंबे लंबे बाल देवदास बना हुआ है, कह रहा है तुम सेवेटार को नहीं हरा सकोगे क्योंकि सेवेटार से तुमने लड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज अपनी ही हम शक्ल की बनाई थी, डुप्लीकेट्स बनाए थे जो याद है आपको, सेकंड में जूम के लिए डुप्लीकेट बनाए थे, तो बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाए थे, तो वो सबको मार देता है एक को छोड़ देता है सेवेटार ना, तो तुम नहीं उससे मुकाबला कर सकते। खैर बैरी वापस मायूस होकर आता है, कहता है उसको तो पता ही नहीं चल रहा सेवेटार कौन है, तो कहता है अब तो कुछ नहीं पता चल रहा। इतने में जो किलर फ्रॉस्ट होती है उसकी ज्यादा विलन वाली पावर जाग जाती है और वो जाती है सेवेटार से मिलने और वो सेवेटार की दोस्त बन जाती है, और सेवेटार उसको बोलता है घबराओ नहीं बेटे मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस तरह तुम्हें बैरी ने धोखा दिया मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो सेवेटार के साथ हो जाती है। अब जब बैरी पता करना चाह रहा होता है तो बैरी के दिमाग में इतना आता है कि बैरी जो कर रहा होता है ना सेवेटार को पता चल जाता है। अब बैरी परेशान, इसको कैसे पता चलता है भाई, इसने कोई कैमरे शैमरे तो नहीं लगाए थे, पर बैरी को समझ लग जाती है ये सेवेटार है कौन। बैरी उसके पास जाता है, कहता है भाई मुझे पता चल गया तू कौन है। सेवेटार बोलते हैं हाँ भाई पता चल गया मेरा, तो कहते हाँ। तो कहता है सेवेटार जब अपने वो सूट खुलता है उसका, उसके अंदर से बैरी एलन दूसरा निकलता है और उसका मुंह आधा सा वो खराब होता है, और वो कहता है मैं हूँ सेवेटार, मतलब बैरी एलन सेवेटार होता है दूसरा वाला। तो अब वो परेशान, अबे तू कैसे सेवेटार बन गया, ये तो बैरी एलन फ्लैश था। वो कहता है नहीं ये वाला जो सेवेटार था ना ये इसको जिंदा छोड़ दिया था बैरी ने, बाकी सब मर गए थे, तो ये वाला था ये भी अपने आप को बैरी कह रहा था, ये भी बैरी कह रहा था, पर असली वाले को सारे बोल रहे थे ये बैरी है तू बैरी नहीं है, तू तो नकली है। उसकी वजह से उसका दिल टूट गया, वो पास्ट में गया पागल हो गया, उसको कोई ने लिफ्ट नहीं कराई, तो वो फिर ऐसा बन गया सेवेटार विलन। और वो चाहता है कि आयरस को वो मारना चाहता है सेवेटार, ताकि बैरी एलन भी गंदा बन जाए, मतलब ऐसी हो जाए, और फिर बैरी एलन सेवेटार, मतलब एक कंटिन्यूसली लूप चले, समझ रहे हो। तो ये मकसद होता है सेवेटार का। तो बैरी बोलता है बेटा तू इस मकसद में कामयाब नहीं होगा। फिर बैरी बहुत सारे काम करता है, फिर एंड में फाइट आती है और बैरी जो है उसको हरा देता है सेवेटार को, सेवेटार का सूट तोड़ देता है, और वो जो विलन बैरी होता है वो कहता है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो वो भाग रहा था, आरएस गोली मार देती है विलन बैरी को, विलन बैरी चले जाता है, और जैसे ही जाता है तो सारी चीजें सही हो जाती हैं और कोई किसी को नहीं मारता। इसमें एचआर का मैं भूल गया था, एचआर का भी था हैरिसन वेल्स जो था, ये सीजन 3 में एचआर था, पर मैं इतनी लंबी कहानी में नहीं गया, मैं कहा बस सिंपल सिंपल कहानी करो, वैसे भी आप लोग इतना गौर से नहीं देख रहे, तो मैंने इसलिए आपको सिंपल सिंपल में बता दिया। अच्छा सब कुछ सही हो जाता है, अब बैरी खुश है हैरिस के साथ मजे कर रहा था, सब सही होता है। इतने में स्पीड फोर्स बारिश करना शुरू करती थी रेड और ब्लू, वो कहता है क्या हो रहा है। जब वो जाता है आगे तो देखता है कि स्पीड फोर्स बोलती है कि बैरी हम तुम्हें लेने आए, तुमने जो सेवेटार को बाहर निकाला था उसकी जगह किसी बंदे को तो लेनी है, तो तुमको लेंगे हम। तो बैरी को वो स्पीड फोर्स में ले जाते हैं और आयरस अकेली रह जाती है रोते रोते, और सब जो है रोते रहते हैं। और फिर यहाँ से सीजन 4 स्टार्ट होगा। सीजन 4 के लिए हम आपको 1-2 दिन में बताऊंगा क्या है सीजन 4, पर अगर लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ठीक है, ओके।